हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, आई एम जॉर्डन सुमित बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम आ गए हैं मैट्रिक्स फिटनेस जिम। तो अभी जो जिम बंद है और मेरे पास जो जिम की चाबी है, तो जल्दी से जिम को खोल लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अपना चेस्ट वर्कआउट, जो भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ अपने चेस्ट को ट्रेन करने के लिए। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, जिम में अभी कोई भी नहीं आया है, सिर्फ मैं हूँ। जल्दी से मैं वार्म अप कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि जो भी मेरी एक्सरसाइज रहती है चेस्ट को ट्रेन करने के लिए। मैं अपने चेस्ट को ट्रेन करने के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज में इन्वॉल्व नहीं करता, अबाउट 3 to 4 एक्सरसाइज रहती हैं जो कि मेरे चेस्ट को बहुत अच्छा पंप दे देती हैं। मैंने 10 मिनट पहले प्री वर्कआउट लिया था, और अभी जो गर्मी होने के कारण जो है, जो प्री वर्कआउट का जो असर है बहुत काफ़ी तेज़ हो गया है, और मेरे जो कान वगैरह हैं वो रेड वगैरह हो गए हैं, और काफ़ी अंदर से मतलब कि एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ मैं। जल्दी से हम इस एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं, वार्म अप करता हूँ, फिर आप लोग को एक्सरसाइज बताता हूँ। बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो गाइस, आज की जो फर्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है अपनी फ्लैट बेंच। फ्लैट बेंच पे मैं अराउंड 3 सेट्स लगाता हूँ, और वो भी थोड़ा नॉर्मल वेट के साथ, जिससे मैं आराम से 12 to 13 रैप्स एक सेट में निकाल सकूँ। मेरा पहले सेट का जो वेट होने वाला है वो होने वाला है 15 kg का जो प्लेट है दोनों साइड है, और जो 22.5 kg की जो ये रॉड है। तो अभी इससे हम अपने लगाने जा रहे हैं पहला सेट। तो गाइस, सेकंड सेट के लिए मैं दोनों साइड में 10 kg और ऐड कर दूंगा, तो हमारा जो ईच साइड हो जाएगा, एक ईच साइड में हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 kg ईच साइड। तो रॉड जो है अपनी 22.5 kg की है, तो फिर 72.5 kg का हो जाएगा ओवरऑल सेकंड सेट अपना। गाइज, अपनी जो सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है इंक्लाइंड बेंच प्रेस। तो इसमें फर्स्ट सेट में बोथ साइड 15 kg में डालूंगा, और जो रॉड है वो अपने है 22.5 kg की। तो इसी के साथ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को अपना फर्स्ट सेट। गाइस, अभी जो है मैंने 2 एक्सरसाइज परफॉर्म करी हैं, अभी दूसरे एक्सरसाइज का जो थर्ड सेट बच रखा है, आप लोग बस चेस्ट में पंप देख लीजिए। ये देख लीजिए, बिल्कुल रॉ वर्कआउट है, मतलब कि कंपाउंड एक्सरसाइज ही करी है अभी तक, तो आइसोलेट कोई करी भी नहीं है, तो इतना काफ़ी सारा मतलब पंप आ रहा है। तो एक्सरसाइज है अपने वर्कआउट में ऐड करेंगे, तो रिजल्ट्स आर फकिंग लिट।
तो गाइस अभी जो अपनी दो एक्सरसाइज खत्म हो चुकी हैं, अभी हम चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। ये देखो अपर पंप, अपर चेस्ट पंप भयंकर थारा भाई जोगिंदर। और गाइस अगर आप लोगों को अपने जो अपर चेस्ट में जो ग्रोथ नहीं मिल रही है तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप जो ये इंक्लाइंड बेंच प्रेस है वो उसको ऐड करो अपने वर्कआउट में, मज़ा आ जाएगा गाइस, सच बता रहा हूँ। थर्ड एक्सरसाइज जो होने वाली है वो होने वाली है इंक्लाइंड बेंच डंबल्स प्रेस। सो अभी मैं लगाने वाला हूँ पहला सेट इंक्लाइंड बेंच डंबल्स का। मैं पहले सेट को परफॉर्म करूँगा और उसमें लूँगा 20 kg के डंबल्स बोथ हैंड्स। तो चलिए परफॉर्म करते हैं अपना पहला सेट। मेक श्योर करना जब भी आप इसको इंक्लाइंड बेंच को सेट करो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे ये 35 degree का एंगल ईजिली बना पाए। जो इतने बीच का एंगल है ये 35 degree का होना चाहिए, इससे जो लोड काफ़ी अच्छा आएगा। सेकेंड सेट होने वाला है वो होने वाला है 25 kg डंबल्स के साथ। तो गाइस इस जिम में दिक्कत ये है, मतलब 30 kg की जो डंबल्स अवेलेबल नहीं है, तो मेरे को थर्ड सेट है 25 kg डंबल्स के साथ ही लगाना पड़ेगा इंक्लाइन बेंच प्रेस पे। तो लास्ट सेट भी हम 25 kg के डंबल से लगाएंगे। ये एक्सरसाइज जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट और मेन एक्सरसाइज है मेरे चेस्ट डे की। मैं इन एक्सरसाइज को अपने जो पुश वर्कआउट में ऐड करता हूँ और अपने चेस्ट को इन्हीं एक्सरसाइज से ट्रेन करता हूँ। मैं कोई भी एडिशनल एक्सरसाइज इसमें ऐड नहीं करता, मेरे लिए यही तीन एक्सरसाइज बहुत सफिशिएंट है। और मैं आप लोगों को डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप भी ये वाली एक्सरसाइज 3 weeks के लिए ट्राई करें और फर्क ना आए तो बात ही खराब हो जाएगी तुम्हारे भाई जॉर्जन सुमित की। एक बार पंप देख लो जैसे में वैसे आप लोग देख सकते हैं पंप भी ग्रेट ही आया, मतलब कि मज़ा आ गया। जितना हैवी जाने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतना ज़्यादा मसल डैमेज होगा, उतनी ज़्यादा ओवरऑल ग्रोथ होगी। सो वैसे आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। सो वैसे सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye bye, take care, stay fit, stay healthy, peace.